गणपति जी का पहला दिन है और वही हम लोग आए हुए हैं। अच्छा, आगे प्रणाम भी कर रहे हैं। क्या देख रही है? बिलिंग हो गया और मिला रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और अभी क्यारा सो के उठ गई है, हम लोग भी उठ गए। हम लोग का तो योगा एक्सरसाइज सब हो गया। क्यारा गुड मॉर्निंग बोलो। बोलो कैसे हैं आप लोग? हम तो अच्छे हैं। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मम्मा क्या कर रही है? क्यारा खाना बना रही है। जाओ तुम वीडियो शूट करो तो मम्मा का। लो फोन लो। Hey guys, तो अभी क्यारा जा रही है मम्मा का वीडियो शूट करने के लिए। मम्मा का वीडियो शूट कर रही हो? हाँ, दिखाओ तो तुम्हारे कैमरा में देख। अरे वाह, मम्मा तो आ रही है। क्या कर रही हो? और अनार भी। और नेहा भी एक्सरसाइज कर लिया और अभी इसका नाश्ता बन रहा है। क्या बना रहे हो नाश्ता में? आज बैंगन आलू बना रहे हैं और एक रेसिपी भी शेयर करने वाले हैं आपसे। कौन सा? इसी वीडियो में। ओ। कौन सा तो हम बता देंगे क्योंकि आपको नहीं बता सकते। ठीक है, क्योंकि क्यों? आपको पसंद नहीं। और यहाँ पे ये इसमें क्या कैरा का एप्पल, कैरा का एप्पल भी यहाँ पे बॉइल्ड हो रहा है और वीडियो का शूटिंग भी चल रहा है। कैरा का शूट हो रहा है? कैरा, अरे वो अच्छा से शूट कर रही है। तुम्हारा आ रहा पूरा फेस का उसके कैमरा में। हाँ, तो सुबह के एग्जैक्टली 9 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं इसमें हम 10,662 स्टेप्स चले हैं और सुबह से 6.5 किलोमीटर चल चुके हैं। अभी हार्ट रेट मेरा 71 था, अभी जस्ट खोलें 865 कैलोरीज हम बर्न किए हैं। तो ये एक्सरसाइज था आज का। 9 बज रहा है एग्जैक्टली और नेहा का नाश्ता भी आ गया। आज तो चना भी दियो। और क्या रहा है? सुबह सुबह साइकिल सीख रही है। बैठो, साइकिल सीख के दिखाओ तो। चलाने सीखी है तुम? कब सीखेगी? 1 साल हो गया क्या रहा? कब सीखोगी? सीखो, कैसे सिखाएं पापा? चलाओ तो थोड़ा सा। हाँ, इस पैर पे, इस पे रखो। हाँ, अब पुश करो। पुश, पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है क्या रहा है साइकिल। क्या रहा है एप्पल खाएगी? अरे वाह, देखो चला ना। ऐसे धीरे धीरे चलाओगी ना तो सीख जाओगी। हाँ, अब आगे पीछे करना सीख गई है ना। हे फैमिली, तो आज हम बोले थे कि एक रेसिपी शेयर करने वाले हैं, तो वो है शक्कड़ पाला का रेसिपी, जो कि बहुत किसी को आता है, बहुत किसी को नहीं भी आता है बनाने। तो मेरे तरीके से, मतलब आपको हम बताने वाले कि हम कैसे बनाते हैं। और पसीना थोड़ा अवॉइड कीजिएगा क्योंकि आपको पता है ये खाना बनाते समय तो सबको पसीना आता है, पूरा पी चुके हैं बनाते बनाते, और एक्सरसाइज योगा ये सब भी किए तो इसलिए। और हम खाना बना के ही नहाते क्योंकि फिर ऐसे ही हो जाते हैं, तो इसलिए अभी आपको दिखाते हैं हम क्या क्या बनाएं। तो सबसे पहले मतलब कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और उसमें तेल डालेंगे, थोड़ा सा तेल डाल के थोड़ा मंगरेला और थोड़ा सा जमाइन, मंगरेला और जमाइन थोड़ा सा डालना है। और ये यहाँ पे हम इसका मतलब बेसन लिए हैं और बेसन में ये मिलाएंगे। ये लहसुन मिर्ची का पेस्ट है, उसको इसमें डालेंगे और मिलाने के बाद आपको दिखाते हैं। तो ये पूरा ऐसे करके मिला लेंगे, लहसुन मिर्ची का पेस्ट इसमें और थोड़ा सा नमक इसमें डाल लेंगे, मतलब अपने अंदाज से नमक डाल लीजिए जितना इसमें लगेगा। और फिर इसको कढ़ाई में डाल दीजिए पूरा। और इसको कढ़ाई में डालने के बाद इसको चलाते रहना, चलाते रहना, चलाते रहना। तो हल्दी भी डालना है, हल्दी डालना भूल गया, अभी हम डालते हैं। सब डालने के बाद इसको हमें मतलब चलाते रहना है जब तक ये पूरा सूख ना जाए पानी, मतलब ये अच्छे से भुजा जाएगा। और
उसके बाद इसको थाली को पहले ग्रीस कर लेंगे तेल से और थाली में डालेंगे और उसको बर्फी के जैसा काटेंगे, आपको दिखाएंगे। तो ये मेरा हो गया, अब इसको निकालेंगे थाली में। तो ये देखिए अभी निकाल लिए हैं, इसको थोड़ा टैप 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 करके फैलाना है थाली में। उसके बाद इसको थोड़ा हवा में पंखा में छोड़ दीजिए, थोड़ा सूखेगा, उसके बाद इसको कट करेंगे। ये देखिए ये तो पूरा सूख गया है, फैन में दिए थे। अब इसको बर्फी की तरह, मतलब जो भी स्टाइल में आप सोच सकते हैं, मतलब चाहते हैं उस स्टाइल में आप इसको कट कर सकते हैं। तो हम तो बर्फी के स्टाइल में कट करेंगे। एक्चुअली हम सूट भी कर रहे हैं और बना भी रहे हैं, क्योंकि ये क्यारा को अभी खाना खिला रहे हैं, सुबह का नाश्ता फल, मतलब एप्पल खा रही है अभी क्यारा और दूध पिएगी। अब इसको मतलब ये कट कर लिए हैं, अब इसमें तेल देके इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। पहले इसमें पूरा अच्छा से तेल देना होगा और इसको फ्राई करके, मतलब रेड करके इसको एक एक करके निकालेंगे और इसको एक एक करके इसमें डालेंगे। इसको एकदम रेड करके, मतलब कड़ा हो जाएगा तो इसको निकाल देंगे, उसके बाद सब्जी में डालेंगे। देखिए ये पूरा रेड हो गया, अब इसको निकाल देंगे प्लेट में। ग्यारह हमको हमेशा डिस्टर्ब करने आ जाती है, हाथ धोएंगे मम्मी, हाथ धोएंगे, खाना बनाते समय डिस्टर्ब करती रहती है। अभी हाथ धोएगी आधा घंटा से। तो यहाँ पे अभी हम तेल दे दिए कढ़ाई में और ये पचफोड़न है जो कि हम उसमें देने वाले हैं। तो ये पचफोड़न गया, तेज पत्ता, मिर्ची, और प्याज। अब इसमें प्याज डालेंगे, इसको प्याज को थोड़ा गलने देंगे, मतलब लाल हो जाएगा जब, तब इसमें और भी मसाला डालेंगे, जैसे कि अभी इसमें डालना है ये टमाटर, हम पीस के रखे थे टमाटर, और ये है तोरी और लहसुन, इसमें मिक्स है, तोरी मतलब राई जिसको बोलते हैं, राई, ये डालना है उसमें। और ये मसाला लहसुन मिर्ची जीरा मरीच इसमें दिया हुआ है, ये मसाला डालेंगे, मतलब ये तीनों इसमें जाएगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में, एकदम मछली जैसा। मतलब हम लोग पहले मछली खाते थे बच्चे में, मतलब 9-10 साल तक खाए, उसके बाद नहीं खाए हैं, मतलब टेस्ट तो याद ही रहता है, तो वैसा ही लगेगा खाने में। तो अब ये लाल हो चुका है, अब इसमें नमक डालेंगे अपने अंदाज से और हल्दी डालेंगे। तो अब इसमें हम डालेंगे ये जो टमाटर पीसे थे, इसमें तो इसमें सारा टमाटर डाल दिए हैं और ये मसाला भी इसमें डालेंगे, ये लहसुन मिर्ची और जीरा मरीच, थोड़ा ही हम लोग मसाला खाते हैं इसलिए थोड़ा डालेंगे, क्योंकि ग्रेवी तो हो ही जाएगा क्योंकि टमाटर पीस के डाले हैं। और उसके बाद ये तोरी भी डाल देंगे, तोरी लहसुन जो पीसे थे इसमें डाल देंगे। तोरी डालने के बाद थोड़ा सा इसको मसाला भूजना है जब तक तेल अच्छे से ना साइड से छोड़ दे, और धीरे धीरे भूजने से टेस्ट भी आता है सब्जी में, तो उसको भूजते रहना है धीरे धीरे। और जब तक हम इधर रोटी भी बना लेते हैं उसके बाद इसको डालेंगे और पानी भी डालेंगे। तो सॉरी दिखा नहीं पाए क्योंकि रोटी भी बना रहे थे और उधर चावल भी चढ़ा हुआ था। तो ये अब इसको इसमें डाल देना है और
रस पानी जितना अपना अंदाज से डाल के, और ये मेरा सब्जी तैयार है। अब इसको उतारेंगे और खा के बताएंगे कि कैसा लगा। तो आप लोग भी जरूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और यम्मी। तो अभी हम लोग भी खा के आपको बताएंगे कैसा लगा। और बेसन का सब्जी नहीं लिए हैं क्योंकि टिफिन में दिए हैं। और बैंगन आलू और बैंगन का चक्का अच्छा, और चटनी, और अभी खा रहे और दाल खा रहे ना। अब कलर का नाम बताएगी। कलर कौन सा कलर है बेटा? ये कलर है। कौन सा कलर है? कलर है। कलर तो है ये, लेकिन ये कौन सा कलर है? कलर है। बे क्या रहा? Which color is this? Purple. Yes, good. और दूसरा दिखाओ, कौन सा कलर है? कौन सा कलर है? Red. हाँ, good girl. और दिखाओ, कौन सा? Green. Yes, good girl. और ये कौन सा कलर है बिटू? ये उठाओ, कौन सा कलर है बिटू? ग्रीन है, ग्रीन है, ग्रीन ग्रीन है। और क्यारा आप थोड़ा कलर भी पहचान गई है सारा कुछ। और ये है क्या क्यारा, खाने वाला चीज है? हाँ। क्या है, क्या बोलते हैं इसको? जेम्स। हाँ। क्यारा का जेम्स है। हाँ। कौन दिया? पापा। पापा दिया? हाँ। झूठ बोलेगी? है। मम्मी दिया। पापा तो लाया है, दी तो मम्मी है ना बेटू। आंटी कौन दिया? आंटी दिया। झूठ बोलती है, झूठ। आंटी दिया। थैंक यू बोलो, बोलो। थैंक यू। वीडियो को लाइक करे। वीडियो पे कमेंट कीजिए। अरे वाह। तो हे गाइस, आज है गणेश चतुर्थी और आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। पप्पा मोरिया, क्या रहा बोलो? पप्पा मोरिया, पप्पा मोरिया, पप्पा मोरिया ने गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति मोरिया, हाँ मोरिया। गाइस, तो हम लोग जा रहे थे घूमने के लिए गणपति जी, लेकिन बीच में मॉल पड़ गया तो नेहा बोली कि कुछ कुछ सामान छूटा हुआ है, मतलब नहीं है, जैसे क्यारा का पैम्पर्स है ना क्यारा, और बहुत कुछ। तो अभी ले रही है नेहा यहाँ पे पैम्पर्स वाला, पैम्पर्स तो जो लेना था ले लिए नेहा। अब बिलिंग भी हो गया, अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। और क्यारा का बदमाशी बढ़ते जा रहा है, क्यारा इतना बदमाशी करेगी, देख रही हो ऐसे? अब हो गया ना, क्या देख रही है? बिलिंग हो गया, अब वो मिला रहे हैं। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, अब यहाँ से हो गया है नेहा का शॉपिंग। चलो तुम का, अरे वही घर का ही सारा सामान। पीछे पानी पूरी खाएगी तुम क्या? हम तो नहीं खाएंगे, नहीं। अच्छा। चलो क्यारा, गणपति जी का पहला दिन है और वही हम लोग आए हुए हैं, और दो सेक्शन बना हुआ, इधर जेंट्स का उधर लेडीज का। तो नेहा उधर ही गई है, कहाँ गई? अच्छा आगे वो प्रणाम भी कर रही है। जय गणेश जी, गणपति बाप्पा मोरिया। बहुत खूबसूरत है, हो गया प्रणाम कर ली। पूजा हो गया और अभी अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से। क्या रहा क्या है बोलो? गणपति बाप्पा मोरिया, हंस रही है। घुमा दिए तुम तो, कभी हमको घुमाते भी नहीं, हम ही घुमाते। तो चलते हैं अब यहाँ से। लून देखो जमीन में लगेगा, तो बैलून से खेल रही है, बैलून से खेलती नहीं है। हे गाइस, तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और हम लोग बहुत दिन से वीडियो डाल भी नहीं पा रहे थे क्योंकि आपको पता ही है तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था मेरा, और इसलिए इनकंसिस्टेंसी हो गया था। और तो
तो बहुत ज़्यादा गैप हो गया था वीडियो के, उसके लिए फिर हम लोग अभी सोच रहे हैं कि अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग। और गैपिंग के कारण हम लोग का व्यूज भी जाना बहुत कम हो गया। हाँ होगा ही, तो इसीलिए हम लोग अब रेगुलर डालने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट्स कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। बाय। Now I'm fully disguised. My heart got bruised up, so I put it on ice. Been told that I